मैं धनुष के काम का शुरुआत से फैन रहा हूँ और द ग्रे मैन मूवी में धनुष का एक डिफरेंट कैरेक्टर देखने के बाद मैं इसका और बड़ा फैन बन चुका हूँ और कैप्टन मिलर से धनुष एक आइकॉनिक कैरेक्टर सिनेमा को देंगे, ये लिख के ले लो। ट्रेलर से साफ पता चलता है कि कैप्टन मिलर 2023 में आई मास मसाला फिल्मों जैसी बिल्कुल नहीं होगी, जहाँ एक बड़े स्टारडम वाला स्टार अपने स्टारडम के दम पर और सेंसलेस एक्शन से हमें थिएटर्स में लाता है। और सच कहूं तो कैप्टन मिलर का टीजर देखकर मुझे यही लगा था कि ये लियो और जवान वाली कैटेगरी में आती है, जहाँ पर पूरी फिल्म कैप्टन मिलर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगा कि मूवी टोटली एक स्ट्रांग स्टोरी हमें देगी और एक्शन से ज्यादा ड्रामा पर फोकस करेगी, जहाँ कैप्टन मिलर के कैरेक्टर की लाइफ जर्नी और सिचुएशन के हिसाब से उसमें हुए बदलाव तो दिखाए जाएंगे ही, पर उससे भी ज्यादा मूवी की कहानी अंग्रेजों के खिलाफ एक गांव की ब्रूटल लड़ाई को साथ में कैरी करेगी। वैसे ट्रेलर को देखकर मूवी के बेसिक प्लॉट और कैप्टन मिलर के बारे में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस की है, जो मूवी को लेकर तुम्हारा एक्साइटमेंट और बढ़ा देगी। तो चलो ट्रेलर का ब्रेकडाउन करती है। ट्रेलर की शुरुआत में ब्रिटिश सेना हथियार लेकर इतनी बड़ी तादाद में किसी पर हमला करने जा रही है और ऑब्वियसली ये कैप्टन मिलर के गांव में ही जा रही है। और वह कहते हैं ना, किसी इंसान की पावर जाननी हो तो उसके दुश्मन कितने ताकतवर है ये देखना चाहिए। अब यार ये मूवी में किस समय का सीन होगा मैं ये तो नहीं जानता, पर ये सेना कैप्टन मिलर के पावर को शो करती है कि वो कोई साधारण लुटेरा नहीं है, बल्कि उसकी भी एक हथियारबंद सेना है। और तुम इस सीन में देख भी सकते हो कि बहुत सारे लोग हथियार के साथ नीचे झुककर किसी पर हमला करने जा रहे हैं, और ऑब्वियसली ये और किसी पर नहीं बल्कि ब्रिटिश आर्मी पर ही हमला करने जा रहे होंगे। और हाँ, ये कैप्टन मिलर की ही सेना है। खैर, तो अब इस सीन को यहीं पर छोड़कर हम अगर इस सीन पर आए तो हमें दो चीजें पता चलती है। पहली तो कैप्टन मिलर जो नाम है वो अपने हीरो को इसीलिए मिलेगा क्योंकि वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करेगा, जिसके बाद कोई बहुत बड़ा हादसा होगा जिसकी वजह से कैप्टन मिलर बागी बनेगा। शायद वो अपने गांव को जलते या फिर मरते देखेगा। उस वक्त अंग्रेजों के लिए किसी गांव को मारना एक आम बात थी और कैप्टन मिलर के बागी बनने का इतना ही बड़ा कारण होना चाहिए, क्योंकि इस सीन में जब वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम कर रहा है तब तो वो काफी खुश लग रहा है। तो इतने आसानी से बागी तो नहीं बनेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस समय पर कई लोगों का ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने का भी सपना होगा और उन कई लोगों में अपना मिलर भी शामिल होगा। खैर, तो वो दूसरी चीज ये है कि जैसे ही वो बागी बनेगा तो अपने लोगों को वही ट्रेनिंग देकर एक अपनी सेना बना लेगा, जो उसने ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होते वक्त ली थी वही ट्रेनिंग वो अपने लोगों को भी देगा। और यही वजह है कि गांव के आम से लोग भी बंदूकें चला पा रहे होंगे। खैर, तो वापस इस सीन पर आए तो ये लाल साड़ी वाली औरत शायद इनके गैंग की नहीं है और हिंसा के खिलाफ है, इसलिए गन अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करने को लेकर भी ये कंफ्यूज लग रही है। अच्छा, इस सीन में कुछ लोग किसी को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं और इस सीन में भी एक अंग्रेजी सिपाही गाड़ी में मरा पड़ा है और ये चीज शो करती है कि कैप्टन मिलर के गांव में ब्रिटिशर्स को एंट्री नहीं है। वैसे एक्टर संदीप इसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर है, तुम इनके आगे ब्रिटिश ट्रक और आर्मी को देख सकते हो, वहीं पे उन्होंने वर्दी भी पहनी है और मुझे लगता है कि वो मूवी के लास्ट तक धनुष को पकड़ने का काम करेंगे और शायद लास्ट में उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। वैसे ट्रेलर इस सीन से कहानी का हिंट हमें अच्छी तरह से देता है, जहाँ पर ये अंग्रेज कह रहा है कि जो गांव और मंदिर है वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और बहुत ही जल्द इसकी माइनिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस जमीन के अंदर क्या है। और इस सीन में तुम उसी टेम्पल और उस गांव को कैप्टन मिलर के पीछे देख सकते हो। और हम अगर इन सभी कड़ियों को जोड़े तो कैप्टन मिलर की कहानी कुछ इस तरह से हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत एक मिलर नाम के लड़के से होगी जो पहले ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होगा, फिर एक बहुत बड़े रीजन के चलते वो बागी बन जाएगा। अब वो रीजन क्या हो सकता है मैंने वीडियो में तुम्हें पहले ही बता दिया है। तो शुरुआत में कैप्टन मिलर बागी होने के बाद डकैतियां डालेगा और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही लूटेगा। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में एक डायलॉग है, अंग्रेजों के नजर में तुम एक डकैत हो। कोई भी हमने कैप्टन मिलर वाले पोस्टर भी देखे हैं और इस सीन में भी उसके हाथ में एक मुकुट है जो उसने डकैती में ही लूटा होगा। और एक रीजन ये भी है कि वो जिस रीजन से बागी हुआ था उसी रीजन के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट कर उनसे बदला लेगा। वैसे जिस तरह से वो इस चश्मे को देख रहा है शायद ये चश्मा भी उसका नहीं है, उसने किसी डकैती में लूटा होगा। यानी कि भाई लोग, शुरुआत में कैप्टन मिलर अपने साथियों के साथ मिलकर डकैतियां डालेगा और जंगलों में भागता रहेगा, पर जब ये इंसान जो मुझे ब्रिटिश काल के उन राजाओं में से लग रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तलवे चाटते थे, वो शायद इस गांव को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देगा। और देखो, पहले ऐसे कई राजा थे जिन्होंने
जान भी के लिए या फिर डर के मारे ब्रिटिश सरकार से सौदा किया था और डील में अपनी वो टेरिटरीज उन्हें दे दी थी जो उनसे ज्यादा सरकार के काम की थी, ब्रिटिश सरकार की। और मेरे हिसाब से यहाँ पर भी यही हुआ होगा, जिसके बाद कैप्टन मिलर अपने गाँव और मंदिर को बचाने के लिए डकैतियां डालना और भागना बंद करके सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट से भिड़ जाएगा। और ट्रेलर से साफ पता चलता है कि वो अपने लियो की तरह अकेला तो नहीं होगा, बल्कि उसके साथ में उसकी एक सेना भी होगी। और ट्रेलर देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि इन सब के बीच में बहुत खून खराबा होने वाला है। अब कैप्टन मिलर हारेगा या फिर जीतेगा ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा, पर ट्रेलर में एक्शन मुझे काफी अच्छा लगा और स्पेशली इस बात की तसल्ली तो हो गई कि मूवी में हमें लॉजिकल एक्शन दिखाया जाएगा, जहाँ अपना हीरो भले ही डेविल की तरह दिखाया गया है लेकिन उसे डेविल उसके काम और इमोशन लेस स्वभाव की वजह से कहा गया है, ना कि उसकी पावर की वजह से। और देखो फीलिंग लेस होने का रीजन भी हमें ट्रेलर में ही दिखता है, जहाँ कैप्टन मिलर लाइफ के अलग अलग फेज में है और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर वो इतना कुछ देख चुका होगा कि अब उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। और तुम उसकी ब्रूटलनेस का अंदाजा इसी चीज से लगा लो कि वो इन ब्रिटिश ऑफिसर्स को खंभे पे बांध के एक एक करके ब्लास्ट कर रहा है। ये काफी ब्रूटल और डिस्टर्बिंग सीन हो सकता है, लेकिन सामने वाली पार्टी भी कुछ कम नहीं है, तो वॉलिन देखने के लिए तैयार रहना दोनों तरफ से। खैर मुझे इसका बीजीएम भी बहुत अच्छा लगा, पर मैं सबसे ज्यादा धनुष के अलग अलग गेटअप्स में उसकी एक्टिंग देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और देखना मूवी 2024 के सबसे वॉयलेंट फिल्म में से एक होने वाली है, पर ये 12 तारीख को आ रही है और इसी दिन हनुमान मेरी क्रिसमस जैसी फिल्में भी आ रही है, तो क्लैश तो होगा, तो जो भी अच्छी फिल्म होगी वो जरूर चलेगी। खैर तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और तुम्हारी कैप्टन मिलर के बारे में क्या राय है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।